हेलो एवरीवन, मैं हूँ रागिनी और आप सबका स्वागत करती हूँ मैं अपने किचन में। गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ बहुत ही यम्मी है। तो ये फ्राई चावल ही, बट बहुत ही अलग तरीके से मैंने बनाया है इसे। और इसमें मैंने टमाटर का यूज़ किया है, तो आप इसे टमाटो राइस भी कह सकते हैं। और एक्चुअल में ये टमाटो राइस ही है, बहुत ही यम्मी है। बचे हुए चावल से आप इसे बना सकते हैं, फ्रेश चावल से बना सकते हैं। जब कुछ चटपटा खाने का आपको मन करे तब आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही क्विक रेसिपी है और बहुत ही मतलब चटपटी सी चटाकेदार है, तो आप इसे ट्राई ज़रूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए मैं बताती हूँ ये टमाटो राइस को मैंने कैसे बनाया है, और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, तो आप ट्राई ज़रूर करें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बर्तन गर्म करने रखा है, तो कढ़ाई ले लेंगे हम, और कढ़ाई को हम गर्म हो जाने देंगे। और इसमें आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल यूज़ करें, चाहे आप सरसों का तेल यूज़ करें, चाहे आप घी यूज़ करें, बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है। और तेल गर्म हो जाने पे इसमें जीरा ऐड कर देंगे और राई ऐड कर देंगे। इन दोनों को अच्छे से चटक जाने देंगे हम। और इसके साथ यहाँ पे एक कटी हुई हरी मिर्च, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें, कितना तीखा कम या ज़्यादा आप पसंद करते हैं। और मटर का सीज़न है तो मटर ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर हाफ कप मटर ऐड कर दिया है मैंने। और मटर को सबसे पहले हमें पक जाने देना है, तो चलिए इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। गैस का फ्लेम स्लो रखा है, बहुत हाई नहीं रखा है, वरना मटर के दाने उछलेंगे और आप मतलब जल भी सकते हैं। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम स्लो रखें। और इसके साथ मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे उन्हें पीस लिया है, मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है और इसका प्यूरी बना लिया है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ थोड़ा सा मतलब 2 से 3 टेबलस्पून पानी हम इसमें ऐड कर देंगे, और टमाटर मटर को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम पकने देंगे लगभग 3 से 4 मिनट तक, या तब तक जब तक कि हमारा टमाटर अच्छे से पक ना जाए, इसमें अच्छे से उबाल ना आ जाए। यहाँ पे देखिए, जब टमाटर में उबाल आने लगे तो हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, साथ में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून, और इसके साथ में नमक स्वाद अनुसार मैं अभी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको नमक का हिसाब ना समझ में आए तो आप लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद टमाटर को हम अच्छी तरह से पक जाने देंगे। तो यहाँ पर चलिए मैंने इन्हें मिक्स कर दिया है, और अब हमें इन्हें अच्छे से पकने देना है। तो ढक देते हैं, लगभग 3 मिनट तक मैंने इसे ढक दिया था हाई फ्लेम पे। और यहाँ देखिए, हमारा टमाटर जो है वो अच्छे से पक चुका है, मसाले पक चुके हैं, टमाटर से तेल अलग हो चुका है और ये बहुत ही यम्मी लग रहा है। तो अब मैं इसमें जो ऐड करूँ ये है पाव भाजी मसाला। तो ये इसका जो है ये सीक्रेट मसाला है जो इसमें मैंने ऐड किया है, और इससे ही इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पे ये सब्ज़ी देखिए ये रेडी है, मैंने टमाटर को लगभग 4 से 5 मिनट तक और भूनते हुए पका लिया है। और ये सब्ज़ी जो आप देख रहे हैं, आप इसमें चाहे तो पनीर ऐड करके मटर पनीर भी बना सकते हैं, या आप चाहें तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं, या आप चाहें तो इसे ऐसा पाव भाजी भी खा सकते हैं। लेकिन हम बना रहे हैं टमाटो राइस, तो इसमें मैं जो चावल है वो ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने फ्रेश जो नॉर्मल हम डेली घर में यूज़ करते हैं वो वाला राइस लिया है, और वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और जो हमारा टमाटो राइस है वो बन के रेडी है। वैसे टमाटो राइस में मटर की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, पर मटर सीज़न में है तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और ये यम्मी सा राइस है वो बन के रेडी है। अब हमें इसे अच्छे से पकाना है, चावल भी पके हुए हैं, मसाले भी पके हुए हैं, तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत तो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए राइस हमारा रेडी है, लेकिन हम इसे 2 मिनट के लिए पकने देंगे। और इसमें फ्रेश हरी धनिया की पत्ती डालेंगे ढेर सारी, ताकि ये और टेस्टी हो जाए। साथ में 1/2 नींबू का रस इसमें डाल देंगे, ताकि ये और चटपटा बन जाए। तो बस, और अब हम इसे कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स। हमारा टमाटो राइस बन के है तैयार। तो आप इस रेसिपी को अपने घर पे ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही यम्मी लगती है। और मेरा तो जब भी मन करता है मैं इसे तुरंत बना के खा लेती हूँ, जब भी मुझे कुछ अलग खाने का मन करता है। तो गाइस, रेडी है हमारा टमाटो राइस, तो आप इसे ट्राई ज़रूर करें। और चलिए, अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप इस रेसिपी को ट्राई करिए। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना।